सचिव हैं, पहले भी पूर्व समिति में आप रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक उनके बगल में इस विद्यालय के पूर्व सचिव जो आज देख रहे हैं विद्यालय का नमूना, इन्हीं का देन है माननीय निरंजन कुमार सिंह जी का। आज विद्यालय प्लस टू में आगे की ओर बढ़ रहा है, इनका बहुत बड़ी देन है। आपको भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक उनके जस्ट बगल में माननीय कृष्णा राय जी, आप बीएमएस झारखंड प्रांत के उपाध्यक्ष हैं और सेल एम्प्लाई हैं और इस विद्यालय से आप प्रारंभ से जुड़े हैं। विद्यालय का कोई कार्यक्रम में आप हमेशा विद्यालय को सहयोग किए हैं। बहुत अरसे के बाद आज आप इस विद्यालय की समिति में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। आप विद्यालय परिवार की ओर से आपको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तुरंत एक बहन जी आई हैं, माननीय नूतन बाला जी, आप भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। आप महिला प्रसार पदाधिकारी झारखंड सरकार में हैं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वैसे इस
हॉल में उपस्थित अपने जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं और हमारे मुख्य अतिथि आज के जो हैं वो हमारे दादा दादी नाना नानी जी लोग हैं, तो सभी का मैं विद्यालय प्रबंधकारी समिति पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित अपने व्यस्तम क्षणों को निकालकर इस अवसर पर हमें अनुग्रहित करने के लिए जो मंचासीन पदाधिकारी मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि उनको एक छोटा सा तुच्छ भेंट विद्यालय की ओर से प्रदान करके उनको सम्मानित करूं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के सभा के मुख्य अतिथि के रूप में अपने अभिभावक तुल्य श्रीमान रामनाथ बैठा जी को, क्योंकि प्यारा मंच पर आ जाए। और उनको सम्मानित करने के लिए अपने समिति के वर्तमान सचिव श्रीमान आर के कर्म जी से मेरा आग्रह होगा कि उन्हें गमछा उठाकर उनको सम्मानित करेंगे, तो कृपया मंच पर आ जाएंगे अगर संभव है तो। रामनाथ बैठा जी, इन्होंने सामाजिक कार्य में अपना पूरा जीवन बिताया है और आज भी इनका दिशा निर्देश हमें बराबर मिलता है और विद्यालय को हम सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, तो इनके पीछे इनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो मैं अपने वर्तमान सचिव श्रीमान आर के कर्म जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें गमछा उड़ाकर इनका सम्मान करेंगे। अभी और ये शुरुआत है अपने बुजुर्गों को सम्मानित करने का। आज समाज में अपने बुजुर्ग जो थोड़ा अलग थलग पड़ जाते हैं घरों में, तो हमारी ये पहल है कि कैसे उनको सम्मानित करें। एक छोटी सी पहल हमारी, और बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय, साथ ही मुख्य अतिथि महोदय, और मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण कर ले। इसके पश्चात आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है अपने बीच श्रीमान नरंजन प्रसाद जी, तो उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अपने भूतपूर्व सचिव श्रीमान निरंजन कुमार सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि उन्हें गमछा उड़ा दें और उनका भी सम्मान करेंगे। तो श्रीमान नरंजन जी अपने बीच मौजूद है मंच पर यहाँ, और इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमान निरंजन कुमार सिंह जी। अपने बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रसाद पदाधिकारी के रूप में कार्यरत चास प्रखंड में श्रीमती नूतन बालाजी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया वह मंच पर आ जाए। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान कृष्णा राज जी से, अपने उपाध्यक्ष हैं समिति में, तो इनको सम्मानित करेंगे मंच पर आकर श्रीमान कृष्ण राय जी। और अपने बीच मौजूद है दीदी जी श्रीमती नूतन बालाजी, बड़ा ही हास्य का विषय है कि अपने बीच मौजूद है, तो श्रीमान कृष्ण राय जी। तो एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत किया जाए मंच पर।
उसके सर से प्यार करते हैं, क्योंकि उसे नींद में एक रूस वो तो जिंदगी से डरता है, ये सारा उसके काम है। I'm
नाना नानी सम्मान समारोह मना रहा है। ये समारोह केवल साल में हम लोग एक बार मनाते हैं, लेकिन एक क्रियाक्रम सालों भर सुबह शाम का है जो हमारे बच्चे, हमारे माता पिता अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, न कि साल में एक बार मनाकर साल भर हम सुख भुक्ति आए, वो भी केवल हमारा विद्यालय परिवार, न कि अपने घर के बाल बच्चे। हमारे घर के बाल बच्चे नहीं मनाते। जैसे अभी आपने देखा एक छोटा सा प्रदर्शन में कि किस तरह से दादा दादी जन्म से लेकर अंत तक अपने बच्चों को कितना प्यार देकर पालते हैं। अंत में जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके माता पिता उसे छीन कर अपने साथ ले जाते हैं। उन बच्चों से दादा दादी को प्यार तक नहीं देने देते, न लेने देते। आज की हमारा ये परिवेश बन गया है कि दादा दादी की बात, नाना नानी की बात तो छोड़ दीजिए, दादा दादी तक को नहीं जान पाते कि हमारे दादा कौन है, हमारी दादी कौन है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे, उनके माता पिता अपने दादा दादी के संबंध में, अपने माता पिता के संबंध में उस तरह के व्यवहार न करें जो किया जा रहा है। आज नहीं, आज आप माता पिता हो, आप बच्चे हैं, कल आप भी माता पिता बनेंगे, समय आएगा आप भी दादा दादी बनेंगे, उस समय वही परिस्थिति आपके साथ आए तो सोचिए कि आपके हृदय पर कैसा बीतेगा जो अभी दादा दादी को बीत रहा है। मैं दादा दादी की बात इसलिए कह रहा हूं, नाना नानी को छोड़ रहे, ताकि दादा दादी को जब ये प्यार नहीं मिल पाता, ये स्नेह नहीं मिल पाता, तो नाना नानी को तो छोड़ दीजिए। नाना नानी तो हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं कि नाना नानी भी होता है क्या। खैर, मैं तो उनसे भी संबंध अपना जोड़ने का प्रयास करता हूं कि बच्चे हमारे अपने नाना नानी से भी वही संबंध रखे जो अपना दादा दादी के साथ रहते हैं। अभी हमारी बच्चियां अनाउंसमेंट कर रही थी, एक बच्ची अंग्रेजी में बोल रही थी और एक बच्ची हिंदी में बोल रही थी। ये अंग्रेजी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आई जिस अंग्रेजी का देन ही है कि आज हमारे बच्चे अपने माता पिता को भूल गए, माता पिता को भी भूल गए। जब पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद नौकरी हो जाती है, वो चले जाते हैं नौकरी में, तो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। आपने एक प्रदर्शन में देखा कि किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को गोद लेकर सारी व्यवस्था करके पढ़ाना लिखाना दुनिया जहां सब कुछ करना, लेकिन अंत में जब वह चला जाता है
तो अपने माता पिता की ओर खुल कर भी नहीं देखता कि हमारे माता पिता भी है। मैंने देखा है यहाँ बच्चे पढ़े हैं लिखे हैं अमेरिका चले गए, लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, अंतिम विदाई हो जाती है, तो अपने माता पिता को देखने तक नहीं आते, ना वो अंतिम संस्कार में भाग लेने की बात तक हो गई तो भूल जाते। ऐसा करने से केवल हम ही नहीं, ये सारा देश हमारा भुगतेगा और अभी भी भुगत रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह होगा कि सारे बच्चे हमारे अपने नाना नानी दादा दादी को उतना ही याद करें, उतना ही प्यार दें जितना अपने माता पिता को देते हैं, और अपने ऊपर जब आया माने आता है तो अपने को छोड़ देते हैं, अपने को छोड़ देते हैं, माता पिता को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन याद रखिए एक दिन आएगा जब वो परिस्थितियां आपके ऊपर भी आएगी, और जब आपको छोड़ करके आपके बाल बच्चे उसी जगह पर चलेंगे, तो जो परिस्थिति आपको झेलना पड़ रहा है कोई परिस्थिति उनको भी झेलना पड़ेगा। आपने हमारे प्रदर्शन में देखा है कुछ बाल बच्चे ऐसे निकले जो केवल अपने माता पिता को ही प्यार दिए, दादा दादी को छोड़कर चले गए। परिणाम यह हुआ कि दादा दादी घूट घूट कर इस दुनिया को छोड़ दिए, लेकिन अपने पोता पोती से भेद उनको नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, हमारी थोड़ी सी कमी रह गई। हमको वहां दिखाना चाहिए था कि एक तरफ दादा दादी और नाना नानी को त्याग कर जो परिवार आगे बढ़ा वह अधिक दिन तक अपने को आगे नहीं संभाल सका, और वह भी उसी तरह हुआ जिस तरह से उसके दादा दादी नाना नानी डूब गए। दूसरी तरफ दिखाना चाहिए था कि हमारे एक परिवार ऐसा है जो अपने दादा दादी नाना नानी के साथ अपना जीवन को निभाया और हर चीज में दादा दादी नाना नानी को प्यार दिया, आगे बढ़ा। वह परिवार दिन प्रतिदिन अपने को आगे की ओर बढ़ते गया और हमेशा वह प्रफुल्लित रहा, खुश रहा। इसलिए जो बच्चे अपने माता पिता दादा दादी को आगे की ओर ले जाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उसकी उसको प्रेम से सेवा करेंगे, उनका बाल बच्चा भी उसी तरह से उनका भी सेवा करेगा, उनको भी प्यार देगा और उनकी भी उनका जीवन भी सही ढंग से कट जाएगा। तो आज केवल आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक मात्र यही है उद्देश्य हम लोगों को कि आप लोग निराश न हो। समय आएगा जब ये बाल बच्चे आपको भी प्यार दें, हम लोगों की शिक्षा से वे लोग सीखें और सीख कर अपने दादा दादा नाना नानी को प्यार दें, प्रेम दें और उनको आदर के लिए धन्यवाद।
सबसे पहले तो बोकारो की धरती पर कितना टैलेंट है इसका छोटा सा नमूना आपने भी देखा। इतने होनहार पृथ्वी व प्रतिभावान बच्चे इस धरती पर रहते हैं, इसकी झलक और ये जो तैयारी थी चंद दिनों में हम लोगों ने आपके सामने रखी है। तो आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जितने प्रतिभागी हैं सभी को तहे दिल से मेरा आभार है, क्योंकि इतना कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति जो मुझे लगता है कि आपके मन को मोह लिया होगा, जरूर ऐसा रहा होगा। और ये जो तालियां आपने बजाई इस बात का प्रमाण है। तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम इतने कम समय में इन बच्चों ने हमारे बीच रखा है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए अपने दीदी जी, आचार्य जी और समस्त विद्यालय परिवार, अपनी प्रबंधक आदमी समिति का सहयोग भी हमें मिला और जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है, तो ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है और आपका बड़ापन है कि पूरे कार्यक्रम को आपने शांतिपूर्वक इंजॉय करते हुए कार्यक्रम को देखा। अक्सर प्रोग्राम में होता है कि प्रोग्राम चल रहा है और ऑडियंस उठ के जाने लगती है, तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी लोगों को देना चाहूंगा जो अपने बीच यहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता में चार चांद लगा दिए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ऑडियंस के लिए जो इतना धन्यवाद है और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता बनाने में हमें इतना बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा अपने बीच मौजूद विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में अपने बहुमूल्य समय को त्याग कर बच्चों के उत्साह वर्धन करने के लिए 2 घंटे लगातार अपने बीच में रहे, आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अपने जो लाइट लग रहे हैं, साउंड लग रहे हैं, मंच की जो भी साज सज्जा हुई है उसमें लगे हुए सभी कर्मचारीगण, दीदी जी, आचार्य, बंधु भगिनी सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज देश में रहते हैं और अभी अपने देश का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। यह तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। यह जो लोकतंत्र का पर्व है, हम शहर के लोग अपने अपने घरों में चिलचिलाते धूप में बाहर निकलना नहीं चाहते और हम अपना वोट नहीं करते हैं और वोट नहीं करने की वजह से ऐसे कैंडिडेट चुन के आ जाते हैं जो ये देश की कोई फिक्र नहीं। तो हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है। आप एक जिम्मेदार बच्चों के पिता हैं, माता पिता हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, तो आपका जो एक मत है, एक वोट है, बहुमूल्य है। तो मेरा कटिबद्ध प्रार्थना है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कि अपना वोट आप जरूर दें और इस देश में नशे में